गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हरिओम बच्चों। नाउ वेलकम टू स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट एसएस लेसन 4 अर्ली स्टेट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया पार्ट 10। हमने आपको इस वीडियो के पहले टोटल 11 क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए थे, आप उसी के आगे कंटिन्यू 12 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू कर रहे हैं। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन, विथ होम टी अजात शत्रु फाइट एंड एक्सचेंज with Visa Union, Visa Union. महापद्मानंद द किंग
of Nand dynasty. Which three powerful dynasties ruled over the Magad in post-Vedic period? Iska answer number 14 upar likhaungi. Post-Vedic period.
three powerful dynasties ruled over Magad in post-Vedic period were Pallava dynasty and Nag dynasty and the Nand dynasty. Question number 15. What is called Republic State? या और भी किया और लिखा है यहाँ पे और क्यों लिखा है या फिर what is Republic State? इनको दो तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है? तो या what is called Republic State या what is Republic State? आंसर सेम ही है दोनों का. The state rule, वो स्टेट जहाँ पे ऐसा रूल चलता है कि जो हेड होता है जो स्टेट का हेड होता है वो इलेक्टेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय द पीपल, वो बाय द पीपल लोगों के द्वारा डायरेक्ट और इनडायरेक्टली उनका चयन किया जाता है, इज अ कॉल्ड रिपब्लिक स्टेट. और मोनार्ची स्टेट में जो राजा होता है राजा का ही जो पीढ़ी बेट है उनका बेटा होता है, बेटे के बाद उनका बेटा, इस तरह से वहाँ पे मोनार्ची पीरियड में होता है. Question 16. The state of which people are included in Republic State? The Chavi of Vaishali.
बेरिया ऑफ मिथिला कुशीनारा ईटीसी स्टेट ऑफ द पीपल आर इंक्लूडेड रिपब्लिक स्टेट क्वेश्चन 17 Indian Republic state established.
What is sanctum? The republic state, the place where meeting was held or was called. Okay, 19 number next video see. Okay, question number 19 से next part में दिखाएंगे हम.